जब पागल होने लगी है भगवान बोले में घमंडी, आदमी से 100 कोस दूर रहता हूँ। अच्छा बुजुर्गों एक बात बता दें, बहुत ध्यान से सुनना। एक उदाहरण है कि किसान था, किसान दादा, किसान ने मरने से पहले एक बात कही थी कि जो मेरे पास जायदाद है उस जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना है और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना है और जो पांचवा हिस्सा है वो बेटी को देना है। तो बोले ठीक है महाराज। कुछ दिन बाद किसान चल बसे और जब मर गए तो पता लगाया गया कि जायदाद में है क्या, तो जायदाद में और तो कुछ ज्यादा ना ही निकलो 19 ऊंट निकले। कितने? 19। 19 ऊंट निकले तो पंचायत बुलाई गई, बोले बंटवारा होना चाहिए और बंटवारा बढ़िया होगा। तो बोले आओ तीनों, दोनों बेटा और बिटिया को बुलाओ। अब 19 ऊंट हैं दादा, 19 ऊंटन को बंटवारा कैसे होवे? तो कछु पंच रहे पे जब बोले के काम करो, एक ऊंट बेच दो 18 रह जाए, बिना 18 में आप बंटवारा कर ले और एक ऊंट के जो रुपया हो भी आधे आधे कर ले। बड़ो वालो बोलो बंटवारा तो पूरो ही पूरो है जो पिता की जायदाद है, ऊंट एक हुक्म ना हुई वो तो ठीक है। अब भैया 4 दिन तक पंचायत चली, 5वें दिन एक व्यक्ति निकला, वो बड़ा समझदार था। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया यहाँ कैसी दिक्कत है? बोले कछु नहीं दादा, 19 ऊंटन को बंटवारा ना है पायरो। तो बोले हम कर दे। बोले अरे जो चार दिन तक काम ना है पावो तुम कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बोले भैया जी जो मर गए जो हमारे बहुत खास मित्र थे और 19 ऊंट इनके ढेगा एक हमारे ढेगा कितने हो गए? तेज बोलो 20। अब 20 में थे आधे करो कितने बचे? 10। 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को, अब चौथाई का हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो 4 × 5 = 20, 5 ऊंट दे दिए छोटे बेटे को, अब जवाब दो पांचवा हिस्सा देना है बिटिया को। तो 4 × 5 = 20, 4 ऊंट दे दे बिटिया को, अब 10 बड़े बेटा को, 5 छोटे बेटा को और 4 बिटिया को दे दे, टोटल कितने हो गए? गणित ना ही पढ़ी होगा, पढ़ लेती 19 अम्मा, अम्मा गई स्कूल, 15 और 4 = 19, जाने अपनो ऊंट दो, बोलो तुम्हारा 19 बंटवारा होएगा, एक हमारा हमें वापस दे दो। तो पाने अपनों वापस ले लो। दादा मैं ये समझाना चाहती हूँ कि 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह मूत्र द्वार और मन द्वार, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक जीव त्वचा, कितनी हो गई? 10। 5 तत्व बिजली वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, कितने हो गए? 15। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कितने आ गए? हैं 25। 15 × 4 = 19, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तत्व, 15 और 4 अंतःकरण, 19 हो गए। और जब तक आप 20वां कृष्ण नहीं जोड़ेंगे तब तक जीवन में किसी चीज का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। चाहे कितना भी धन कमाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप इकट्ठे होके कृष्ण को नहीं मनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। लिखते हैं विद्वान, ए पूनम काए को माया जोड़ियो जा रहा।
जरूर कमाते हैं। सखियों के घमंड को भगवान ने दूर किया, पुनः आए हैं प्रभु पूर्ण महाराज करके मेरे बिहारी अंतर ध्यान होते हैं। प्रसंग उठता है कि भगवान ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया। और ये श्री उर्वेश यादव प्रधान जी पलरा पंचायत से प्रबंधक भारतीय विद्या निकेतक स्कूल भागवाला। उर्वेश यादव जी ₹5100 भंडारे में दान दे रहे हैं और ₹1100 से सम्मानित कर रहे हैं। और उर्वेश यादव भैया प्रधान जी भगवान से कामना करते हैं बिहारी आप यूं ही हमेशा धर्म के कार्यों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते रहें, सर्व देवी देवताओं का हाथ आप पर आपके परिवार पर बना रहे, कान्हा जी कृपा दृष्टि परिवार पर बनाए रखें, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करें और प्रभु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, सम्मान हर जगह समाज में बरकरार बना रहे, ये गोविंद से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है, भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, बाम बाबा नारद का पदार्पण हो, तो बाबा नारद बोले ओरे राजा एक बात बता,
अभी तक कृष्ण और बलराम का कुछ हुआ? बोले नहीं महाराज, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं लास्ट युक्ति बताता हूँ, कौन सी अनुष्ठान रचाए ले वो राज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आज आए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक पत्र लिख, उस पत्र में लिखना के बाबा नंद आप एक काम करें, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण है आपका, आप बच्चों समेत हमारे यहाँ पधारे। पत्र अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी भैया जब चिट्ठी को लेके चले तो विचार करते हुए जा रहे, और कंस तू कब सुधरेगा? अरे भगवान ने गोकुल छोड़ दियो, ब्रज छोड़ दियो, नंदगांव बसाई लियो है बाबा नंदन, अब भी तू उन्हें परेशान कर रहा है। अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे, हो गया तुम्हारा बोले, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाया करो, हमारी मान लिया करो, तुम उन्हें की तो मानती ना, तो हमारी माने हो का। वैसे तुम बहुत अच्छी हो, मतलब सुंदरता तो है ही, बाकी दिल की बहुत अच्छी हो। अब देखो कितने ध्यान से सुन रही हैं, बड़ाई करते ही तो। और इनकी गलती है ना, वैसे कुछ लोग आते हैं तो सीधे हमारी तरफ पाए पसाले तो ले शास्त्रीय प्रणाम करो। और लिखते हैं विद्वान, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है, कि कुछ लोग इसलिए आते हैं और देखें शास्त्री जी कैसे। कथा सुनन के बदले में चप्पल जूता ले जाते,
महाराज गांव में किसी भागवत बैठी होगी, कलश यात्रा हो रही है। चले सोचते हुए जा रहे ये कम मानेगा, चलते जा रहे तब तक महाराज जब ब्रज में नजदीक पहुंचे, सबसे पहले कृष्ण सोमेट भई तो चाचा को प्रणाम कियो, चाचा आप ठीक है ना? बोले हाँ कृष्ण, जैसे 3200 दांतों के अंदर जिभ्या निवास करती है उसी तरीके से मैं बंधुओं चाचा ने जवाब दिया, जैसे 3200 दांतों के अंदर जिभ्या निवास करती है इसी तरीके से मैं वहां रहता हूं। तो तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु सो का वसी है जाके हाथ में भगवान सब जानते। बोले चाचा मामा के यहाँ से पत्र आया है क्या? बोले हाँ, मैया को मत बताना। ठीक है, अब जरा बुजुर्ग हमारे पीछे बैठे दादा, आपने एक बात सुनी होगी कि भगवान परसों की कह के गए थे अब ब्रज को छोड़ के मथुरा, लेकिन बरसों तक लौट के नहीं आए। ऐसा क्या कारण था जो भगवान परसों की कह के गए थे और वर्षों तक नहीं आए? भागवत में राधा का नाम नहीं आया, पहले ही बोला मैंने, लेकिन गर्ग संहिता उठा के देखना, गर्ग संहिता का प्रमाण है भगवान के तीन पटरानियां और थी, श्री राधा, भूदेवी और ब्रजा। राधा भगवान की पत्नी है। बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, ये प्रमाण है। और दूसरी पत्नी है भूदेवी, ये पृथ्वी, ये भगवान की पत्नी है। तीसरी है ब्रजा, ब्रजा है नदी, और ब्रजा के और भगवान के सात पुत्र हुए जो सात समुद्र के रूप में बह रहे हैं। और एक दिन भगवान ब्रजा को ब्रजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे, तो दामा ने जाए के राधा सो कही कि रोज ढिंढोरा पीटती है, कृष्ण में बड़ा प्रेम करते, आज देख भगवान ब्रजा के साथ बैठे। राधा क्रोध में पहुंची, और जब क्रोध में पहुंची है भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, ब्रजा नदी रूप में परिणत हो गई। जाए के राधा कोप भवन में लेट गई, भगवान ने बड़ो मनायो, अरे पगली मान जा, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि तेरे अलावा इतना प्रेम किसी को नहीं करता, लेकिन राधा ना मानी। दामा पास में खड़ा था, उसने जवाब दिया कि तू कृष्ण की बात नहीं मान रही है, जा तू भी क्या याद रखेगी, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का भेंटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। ये श्रापित थे इसीलिए भगवान परसों की कह के गए और बरसों तक लौट के नहीं आए। मैया को कैसे उनका उन्हें खबर दे दी कि भगवान मथुरा जा रहे हैं, तो भगवान मैया को समझाए के बोले, माँ